हेलो गाइस, मैं हूँ सुमेर सिंह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्तों आज हमारे पास है ये न्यू टाटा टियागो, जो आज हम इसके अंदर इंस्टॉलेशन करने वाले हैं पूरा फुल म्यूज़िक सिस्टम। और ये हम लोग करने वाले हैं विदाउट वायरिंग कटिंग। और जो हम लोग जो डैशबोर्ड ओपन करने वाले हैं उस पर भी हम लोग कोई पेचकस लगाने वाले नहीं है। और ये भी हम लोग बिल्कुल बगैर पेचकस के हम लोग इसको भी खोलने वाले हैं डैशबोर्ड को, ताकि डैशबोर्ड पे भी कोई स्क्रैचेस ना आए। और ये चारों पैनल खुलेंगे, इसमें हम लोग JBL के स्पीकर लगाने वाले हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है पेचकस नहीं लगाया, क्योंकि इतने एरिया में जैसे कभी पेचकस लगता तो यहाँ पे निशान आ जाते हैं ये वाले कॉर्नर पे, और काफ़ी बेकार लगता है डैशबोर्ड पे, और वो निशान कभी नहीं जाता पेचकस का। तो ये वाला जो फाइबर का जो टूल्स है ये वाला, तो यहाँ पे मैंने अभी फाइबर्स का टूल्स फंसाया था, तो यहाँ पे कोई भी निशान नहीं आया डैशबोर्ड पे। ये वाला जो फाइबर का जो टूल रहता है, इससे बड़ा आसानी से निकल जाता है ये म्यूज़िक सिस्टम का फ्रेम। ये वाला हमारा ओरिजिनल वाला, ये वाला आप देख सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको स्क्रैचेस नहीं मिलेगा डैशबोर्ड पे। और ये फाइबर पे जैसे कभी निशान आ जाता है, तो ये फाइबर पे कभी भी निशान नहीं जाता है, वो परमानेंट बना ही रहता है और वो कभी जाता नहीं है। और ये जो डमी दिया हुआ म्यूज़िक सिस्टम का, यहाँ पे तीन स्क्रू दिए हुए रहते हैं, तो इनको हमें खोल लेना रहता है। और जो पावर केबल जो म्यूज़िक सिस्टम के लिए जो पावर केबल देती है कंपनी, वो यहाँ पे जो बिल्कुल छुपा हुआ कपलर रहता है ये वाला, यहाँ पे जो पावर केबल का रहता है वो, और इसके ऊपर पूरे पे इसके ऊपर वायर टेप लपेटा हुआ रहता है, और बिल्कुल कोने में ये छुपा हुआ रहता है ये। और इसमें ये वाले मॉडल में आपको कंपनी स्पीकर वायर नहीं देती है, तो हम लोग एडिशनल डालने वाले हैं। और ये है हमारा 9 इंच एंड्रॉयड है, ये ब्लॉक बास्टर का है ये। और ये हमारा 9 इंच एंड्रॉयड का फ्रेम है ये वाला मैट ब्लैक में आता है। और ये है उसका सॉकेट है ये, ताकि हमारी गाड़ी की कोई वायरिंग कटिंग ना हो। बाकी आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको गाइडलाइन मिल जाती है, और इसमें आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है, और इसमें आपको 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी मिल जाती है, काउंटर रिप्लेसमेंट गारंटी मिल जाती है आपको। और ये है हमारा मेन यूनिट, ये हमारा IPS डिस्प्ले प्लस रहता है, और इसमें आपको स्क्रीन स्प्लिट भी हो जाती है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको एसेसरीज में क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में। इसमें तो आप देख सकते हैं ये है वायरिंग किट, और फर्स्ट आपको ये GPS एंटीना मिल जाता है। ये GPS एंटीना वो रहता है ताकि आपके मैप चलाते हैं उसके लिए रहता है। और ये दो USB सॉकेट रहते हैं, आपको दो पेन ड्राइव आप चला सकें, ये वाले दो सॉकेट आते हैं। और ये वाला जो केबल है ये हमारी बेस ट्यूब के लिए, और ये वाली केबल हमारी कैमरे के लिए रहती है। और इसके अंदर माइक भी आता है, और ये है हमारा AHD कैमरा रहता है, और ये रहता है हमारा वाइड एंगल मूविंग गाइडलाइन रहता है ये हमारा। और ये हमारा 350 वॉट है, ये हमारे JBL स्पीकर Stage 1, ये आप देख पा रहे हैं। ये हमारा ये हम लोग चारों डोर में लगाने वाले हैं ये वाले स्पीकर Stage 1 JBL का है। इसमें भी आपको 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी मिल जाती है ये वाले स्पीकर में। और ये रहता है हमारा 350 वॉट रहता है, और इसकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी रहती है, और साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रहती है इसकी ये वाले हमारे स्पीकरों की। और इसका जो कंपनी ने जो सॉकेट दिया था पावर केबल, तो ये हमने इसमें हमारा जो एडिशनल जो सॉकेट रहता है वो हमने लगा दिया, जो एंड्रॉयड का जो सिस्टम रहता है उसका जो सॉकेट लगा दिया है ये आप देख पा रहे हैं। और कोई गाड़ी की कोई वायरिंग कटिंग नहीं हुई, और ये हमारे चारों पैनल हमने खोल लिए हैं यहाँ पे ये वाले। हम लोग अभी इसमें स्पीकर लगाने वाले हैं, जो स्पीकर भी हम लोग लगाएंगे तो इसमें हम लोग एक रिंग जो फाइबर की जो ABS जो रिंग आती है वाली रिंग लगा के हम लोग इसमें स्पीकर लगाने वाले हैं, ताकि जैसे आप कभी वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो इसका जो गेट है वो वाइब्रेट नहीं होता है। ये वाली जो रिंग रहती है, ये वाली रिंग लगाने से हमारा जो स्पीकर रहता है वो पानी से भी बच जाता है, और पानी की वारंटी कोई सी भी कंपनी नहीं देती स्पीकर में। तो ये जैसे हम कभी गाड़ी वॉश करवाते हैं तो हमारा पानी से भी बच जाता है स्पीकर, और जैसे आप कभी वॉल्यूम बढ़ाते हैं
तो ये जो गेट पे जो वाइब्रेशन आता है वो भी बंद हो जाता है। और ये फाइनली ये हमारा स्पीकर भी लग चुका है JBL, और ये हमने रिंग के साथ लगाया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। और ये रिंग लगाने से करीबन 2 से 2.5 इंच हमारा स्पीकर बाहर आ जाता है। ऊपर जैसे हम लोग का अभी पैनल फिटिंग करते हैं तो पैनल में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये हमारा टियागो के इसके फ्रेम में बिल्कुल लग चुका है। ये हमारा AC विंड और आपका हेजार्ड का बटन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये जो कंपनी जो कंपनी से आता है वो आपका ये ग्लॉसी फिनिश में आता है ये वाला। और ये हमारा पूरा फाइनली ये हमारा एंड्रॉयड भी लग चुका है। और ये हमारा लगा है पूरा विदाउट वायरिंग कटिंग हमने लगाया है, और कंपनी की कोई वायरिंग कटिंग नहीं करी है। और ये हमारा रिवर्स पार्किंग कैमरा भी लग चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये भी पूरा AHD में रहता है ये। और मैं आपको इसका मेन्यू में बता देता हूँ, इसमें आपको प्ले स्टोर मिल जाता है, आपका ब्लूटूथ मिल जाता है, आपको इजी लिंक मिल जाता है। जिसका भी आप कभी आईफोन कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपका आईफोन भी कनेक्ट हो जाता है। क्रोम ब्राउज़र है ये, आपका गूगल मैप मिल जाएगा, ये आपका गूगल है, नेटफ्लिक्स इनबिल्ट मिल जाता है इसमें, और ये आपका प्ले स्टोर रहता है, और आपका ये यूट्यूब रहता है। और इसके अंदर आप जैसे कभी किसी की आवाज़ रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती है, वॉइस भी इसमें आपकी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो जाती है, हिडन तरीके से इसमें आपका रिकॉर्डिंग हो जाती है। और इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल 4K वीडियो प्ले हो जाता है। इसमें आपका IPS डिस्प्ले प्लस रहता है, और ये रहता है हमारा 2GB रैम 32GB स्टोरेज रहता है इसके अंदर, और ये रहता है हमारा IPS डिस्प्ले प्लस रहता है। और बाकी स्क्रीन की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है, और इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी बढ़िया है। और इसमें आपकी स्क्रीन स्प्लिट भी हो जाती है, और इसमें आपका प्लस माइनस भी दिया हुआ रहता है कि जितनी बड़ी आपको स्क्रीन में आपको वीडियो देखना हो उस टाइप से आप प्लस और माइनस आप इसमें आप कर सकते हैं, और जैसे आपको भी हटाना हो तो वो भी आपका हट जाता है। और फिर ये हमारा यूट्यूब पे भी आप जितनी आप क्वालिटी रहती है अब वीडियो की हाई क्वालिटी में भी आप चला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी HD क्वालिटी में चल रहा है, 1080p में चल रहा है ये।